असलम स्टूडेंट दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल जैसे कि स्टूडेंट मैंने आज आपको अपने फेसबुक आई डी पर बताया भी था कि मैं चैप्टर वन के स्कोप ऑफ फ़िजिक्स की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है अपलोड करूँगा तो हेयर इट इज़ सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन चैप्टर वन ऑलरेडी कम्प्लीट है और इसकी प्ले लिस्ट भी मौजूद है मेरे चैनल पर तो आप देख सकते हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट प्रॉब्लम अपनी पहली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम वन पॉइंट वन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट लेंथ माइनस जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड विथ इज नाइन पॉइंट एट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर और इसमें हमें क्या करना है एरिया कैलकुलेट करना है आ, एक प्रॉब्लम का जिसमें उसकी लेंथ भी दी हुई है और उसकी वेड्थ भी दी है लेकिन साथ में इसकी जो है प्लस माइनस टू जीरो पॉइंट टू और ये प्लस माइनस ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो यानी कि इसकी मैक्सिमम uh, एरिया और मिनिमम uh, एरिया भी करके दिया है तो हमें इस प्रॉब्लम का एरिया कैलकुलेट करना है ये इसका फार्मूला है एंड द सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ सबसे पहले हम मैक्सिमम एरिया निकाल लेंगे मतलब 21.3 वन पॉइंट लेंथ है तो इसमें प्लस 0.2 कर देंगे तो ये 21.5 हो जाएगी और विथ 9.80 है तो इसमें जीरो पॉइंट वन करेंगे तो ये 9.90 हो जाएगा तो सबसे पहले मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स 21.5 वन मल्टीप्लाई बाय नाइन तो 212.85 आ रहा है और राउंड ऑफ करेंगे जब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने निकाला था तो टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमने निकाल लिया है इसका एरिया नाउ अब हम निकालेंगे मिनिमम एरिया यानी कि ये हमारा जो डेटा के अंदर मौजूद है 0.2 इसको एक्चुअल में से माइनस करेंगे 21.3 में से जब 0.2 माइनस करेंगे तो 21.1 आ जाएगा और 9.80 में से जब 0.10 माइनस करेंगे तो ये 9.70 हो जाएगा हमारे पास तो ये मिनिमम एरिया निकालते हैं हम तो 21.1 वन मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट सेवन क्योंकि एरिया का फार्मूला है लेंथ इन टू वेट तो ये आ गया हमारे पास टू जीरो फोर पॉइंट सिक्स फाइव और राउंड ऑफ कर लें अगर इसको तो ये हमारे पास कितना आ रहा है टू हंड्रेड फाइव बच्चों अब हमने इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एरिया तो निकाल लिया है अब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है ताकि हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें इसका एक्चुअल आंसर जो हमारी बुक में मौजूद है सिंध टेक्सट बुक बोर्ड की बुक में तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू तो हम क्या करेंगे डिफरेंस ले लेंगे uh, देखिए हमारे पास जो एवरेज हमने लिया है दोनों वैल्यूज का 213 मैक्सिमम एरिया मिनिमम एरिया 205 तो so, दोनों वैल्यूज़ का एवरेज लिया तो 209 आ गया हमारे पास अब हम क्या करेंगे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी टू तो so, इसमें से एवरेज वैल्यू ले लेंगे माइनस कर देंगे तो टू हंड्रेड थर्टीन माइनस टू जीरो नाइन दैट इज़ फोर और मिनिमम एरिया भी इसी तरीके से लेंगे हम मिनिमम एरिया हमारे पास टू जीरो फ़ाइव था तो हम उसमें से भी जो है वो एवरेज वैल्यू को माइनस कर देंगे टू जीरो फ़ाइव में से माइनस टू जीरो नाइन किए तो माइनस फोर हो गया मतलब प्लस माइनस फोर आ गया हमारे पास एवरेज वैल्यू जो कि हमारी Uh, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है उसमें क्या लिख देंगे हम तो एरिया आया हमारे पास 209 प्लस माइनस 4 अगर आप प्लस करेंगे तो 213 आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा और अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो 205 आपका मिनिमम एरिया जो हमने निकाला था वो आ जाएगा तो ये हमारी प्रॉब्लम uh, वन का सोल्यूशन हो गया अब हम वन की बात करते हैं वन one... अब प्रॉब्लम वन है कैलकुलेट सर्कम ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस थ्रो सेंटीमीटर एंड बी एरिया ऑफ सर्किल जिसका रेडियस हमें 4.65 सेंटीमीटर दिया है 1.2 में हमें क्या करना है सर्कम कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द सर्कम और वैन द रेडियस आर वन अब मैंने आर वन इसलिए लिया क्योंकि सेकेंड पार्ट में इसमें एरिया निकालना है उसके लिए अलग रेडियस दिया हुआ है तो मैंने आर वन और आर टू से इसे डिनोट कर दिया तो सर्कम फेरन्स सी जो है हमें कैलकुलेट करना है और आर हमें कितना दिया है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और इसी प्रॉब्लम में पार्ट बी हमसे पूछा है एरिया ऑफ सर्किल निकालें और उसका रेडियस अलग से हमें दिया है कितना 4.65 सेंटीमीटर जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्किल किसके बराबर होता है सी इज़ इक्वल टू टू पाई आर तो हम इस तरह से निकालेंगे इसका और एरिया जो है सर्किल का वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो सबसे पहले हम सर्कम फेरेंस निकालेंगे सर्कम फेरेंस बराबर होता है सी इज़ इक्वल टू टू पाई आर टू कॉन्स्टेंट यानी कि वैल्यू हमारे पास है और 3.14 कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है पाए की और रेडियस वन यानी कि यहाँ पे अगर आप आर वन लिख दें तो इट वुड बी मच बेटर ठीक है तो आर वन हमारे पास कितना आर वन हमारे पास है आर वन हमारे पास 3.5 था तो जब टू मल्टीप्लाय थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट फाइव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो सेंटीमीटर यानी कि बाईस सेंटीमीटर हमने क्या निकाला सरकम फेरेंस ऑफ अ सर्किल सेकेंड हमने एरिया कैलकुलेट करना है एरिया हमारे पास पाए आर स्क्वायर है और इसमें इसको टू कर देते हैं क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी हमें तो आर टू हमारे पास 4.65 है इसका स्क्वायर लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाए से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 67.929 या आप ये कह सकते हैं कि सिक्सटी नाइन या 68 भी कर सकते हैं आप तो एरिया आ गया हमारे पास सर्किल का 67.93 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रॉब्लम थर्ड की तरफ जाते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम 1.3 है शो दैट एक्सप्रेशन एस इज इक्वल प्लस वन पॉइंट टू एटी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट तो हमें फाइंड करनी है थर्ड हमें बेसिकली क्या करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को Uh, जो है वो डायमेंशनली uh, जो है वो प्रूव करके दिखाना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है तो इक्वेशन हमें दी हुई है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनी करेक्ट और नॉट तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एस है और एस लेंथ है लेंथ का uh, जो डायमेंशन है वो एल है तो हमें राइट हैंड साइड लेनी है वो देखना है कि क्या वो भी एल आ रही है और ये क्या इक्वेशन जो है वो डायमेंशनी करेक्ट है या नहीं है तो वी आई दिया हुआ है हमें टी प्लस वन अपॉइंट टू द कॉन्स्टेंट है एक्सेलरेशन है और टी ए वी आई कि वेलोसिटी है वेलोसिटी की जो डायमेंशन है एल ओवर टी टी इनवर्स होती है हमारे पास और एक्सेलरेशन की एल ओवर टी स्क्वायर, क्योंकि ये डिस वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है हमारे पास ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर एल है तो वी आई की जगह एल ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी तो टी की जो है कैपिटल टी आ जाएगी प्लस वन ओवर टू एक्सेलरेशन की एल ओवर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर यानी कि टी के ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा और इस टी से ये टी कट जाएगा तो यहाँ बचा एल और यहाँ बचा वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय एल दैट इज़ एल ओवर टू तो एल प्लस एल ओवर टू का जब हम एल्सीयम लेंगे तो टू आएगा तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वन टू जो टू एंड टू मल्टीप्लाई बाय एल दैट इज़ टू एल है है तो शन नहीं होगी इसको इग्नोर कर देंगे तो वॉट वी हैव लेफ्ट इज ऑनली एल सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इट मीनस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशली करेक्ट हमने ये प्रूफ करके दिखा दी है नाउ वी विल मूव टूवर्ड द फोर्थ प्रॉब्लम 1.4 is suppose uh, displacement of particle is related to our time according to expression s is equal to c t cube so we have to find the dimension of students problem of this chapter which is uh, we have to calculate the dimension of constant and s uh, length and time t is given here and the formula uh, which is given in the uh, question is s is equal to c t cube and we have to find the dimension of c so what we will do

ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी इजली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप कह रहे होंगे कि पहले भी मौजूद है तो मैंने प्रॉब्लम्स को बड़ा ये नीटली एक पूरे फाइव स्टेप मैथड के तरीके से जो है सॉल्व करके लिखा है इन एंड ये रिजल्ट है आप भी अपने एग्जाम्स में इसी तरीके से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो होप फुल यू विल गेट बल्कि श्योरिटी के साथ आप फुल मार्क्स लेंगे अगर आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे डेटा फॉर्मूला सोल्यूशन और फिर इन एंड ये उसका रिजल्ट आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के आंसर दोबारा तो लिख दीजिएगा नाउ वील मूव टूअर्ड द प्रॉब्लम नंबर फाइव प्रॉब्लम वन पॉइंट फाइव है एस्टीमेट द नंबर ऑफ गैसुलटर्स यूज बाई ऑल पाकिस्तानी कार्स तो इसमें डेटा आप जैसे कि देख रहे हैं सारा गिविन है इसमें इसमें ये है कि हमें एस्टिमेट uh, लगाना है कि कितना डिस्टेंस कवर करती हैं पाकिस्तान में मौजूद कारें और कितना नंबर ऑफ़ uh, uh, कितना गैसोलीन जो है वो एक एवरेज कार जो है वो ख़र्च करती है तो इन्होंने एक एस्टिमेटेड नंबर बताए हैं नंबर ऑफ कार्स इन पाकिस्तान आर फाइव लैक्स ओके यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टन थाउजेंड लैक फाइव तो एवरेज डिस्टेंस जो एक कार्रवेल करती है वो तकरीबन सोलह हज़ार किलोमीटर है और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैसोलीन या गैस जो है वो कितना है सिक्स किलोमीटर पर लीटर है तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक एवरेज कार डिस्टेंस कितना कवर करती है और कितनी गैसोलीन को ख़र्च करती है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन इक्विवेलेंट कार विल बी एस डिस्टेंस दिया हुआ है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कार से कर दें तो सिक्सटीन थाउजेंड को जब हम फिफ्टी थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ये वन टू यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़ एंड बिलियन यानी कि 8 बिलियन किलोमीटर्स तो वो एवरेज डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर दी अब हमने देखना है कि कितनी कंजम्पशन ऑफ गैसोलीन है तो हम डिस्टेंस से जो है वो पर किलोमीटर के अंदर जितनी आ, आ, पर लीटर जितना गैसोलीन खर्च होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम 8 बिलियन को डिवाइड कर देंगे किससे 6 किलोमीटर पर आर यानी कि रेट से तो हमारे पास आंसर ये आएगा 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर 9 लीटर्स यानी कि एक एवरेज कार इतना गैस जो है वह कंज्यूम कर लेती है तो आई होप आपको आज का सोल्यूशन बहुत ही आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मेरे चैनल पर तमाम अच्छी खासी वीडियोज़ मौजूद हैं फिजिक्स के uh, uh, बच्चों स्टूडेंट्स के लिए फ्राम नाइन टल सेकेंड ईयर थैंक यू वेरी मच